लो जी ये पैन काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस है, क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ ऑमलेट इतने सारे मिलते हैं कि आपको खा के मजा आ जाएगा। अंडा करी इसके लिए अलग ही लाइन लगती है, इसकी अलग दीवानगी है। अंडा करी के साथ जाते हैं मक्खन में लिबड़ी हुई रुमाली रोटियां। इतना हल्का था रिव्यू करने से पहले ही आधा खा गया मैं। तो हम अभी ऐसी गाजियाबाद में, गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में चौक पे ना एक बहुत भीड़ वाली दुकान आपको दिखेगी, वो भीड़ दिखेगी इस दुकान पे रंगीला एग कॉर्नर पे। और वो दुकान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ ऑमलेट्स इतने सारे मिलते हैं कि आपको खा के मजा आ जाएगा। आप पैन काउंट करो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैन तो रेगुलर चलते हैं इनके ऑमलेट बनाने के लिए। और ये कौन कौन से ऑमलेट बनाते हैं, क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज और वैरायटीज है, चलिए आपको दिखाते भी हैं और बात भी कराते हैं ईश्वर भैया से। क्या हाल है ईश्वर भैया? क्या हाल है आपके? हमने सुना आपने बहुत अच्छी अच्छी मुर्गियां पाली हुई हैं, प्यार वाली, उन्हीं के अंडे खिला खिला के आप लोगों को दीवाना कर रहे हो। बट आप बोलते हो कि सब हाथ का खेल है, तो वो हाथ का खेल मुर्गियों में भी तो हो सकता है। ये आप सब मुर्गियों को पुचकार पुचकार के ना प्यार वाले अंडे निकलवा रहे हो, और वही प्यार लोगों के पेट में जा रहा है। चलो हमें हमारे लिए क्या फिर फ्लफी ऑमलेट लगाओगे जो आपका सबसे फेमस है? चलो जी बनवाते हैं अपने लिए। आप ये देखो जी, ये भीड़ आपको दिखा ही रहा हूँ, लाइन से ऑमलेट बनते रहते हैं यहाँ पे। चलिए अपने लिए भी बनवाते हैं और दिखाते हैं आपको प्रिपरेशन यहाँ का। देखो इनकी अंडा करी जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑमलेट तो फेमस है ही है, साथ में अंडा करी, और अंडा करी के साथ जाते हैं मक्खन में लिबड़ी हुई रुमाली रोटियां। आवेरो पूरा मक्खन से भरी हुई, मक्खन के अंदर सेकते हैं पैन के अंदर। देखो इनकी अंडा करी इसके लिए अलग ही लाइन लगती है, इसकी अलग दीवानगी है। नॉर्मली आपको एग कॉर्नर पे या अंडे के रेट पे ना एग करी नहीं मिलेगी, यहाँ की एग करी भी बहुत फेमस है। फ्लफी वाला बना रहे हो ना? ये आपका फ्लफी वाला सर। ठीक है, ये दोनों दोनों जी। लो जी हमारा फ्लफी वाला जो सबसे फेमस है इनका, यहाँ का एकदम मुलायम डबल बटर में। जैसा ईश्वर भाई ने बताया जी, स्वाद का खेल है सारा, हाथ का खेल है, वो स्वाद हाथ से आता है जी भैया जी। फ्लफी रहता है इसकी क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं इसको? ये डबल बटर में, डबल बटर सिलो आंच में थोड़ा कच्चा होता है। अच्छा, अंदर से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा आप हलवा खा रहे हो। हलवा खा रहे हो एकदम मुलायम, बिल्कुल मुलायम। इसमें सर आपके फल्फी आमलेट में हरी मिर्च का, प्याज का, धनिया का, अदरक का, अंडे का, मक्खन का, सारे टेस्ट आपको अलग अलग आएंगे। अलग अलग है। टोटल कितनी वैरायटी होती है अपने पास? नंबर अपने पास 40 से 50 प्रकार की वैरायटी। 40 से 50 ला जी आपका ऑमलेट, ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, अपनी स्पेशल लहसुन वाली घर वाली, लहसुन वाली घर वाली चटनी। देखो हमारा फ्लफी आमलेट, अब आप बोलोगे आधा, मैं क्या बोलूं आपको, इतना हल्का था रिव्यू करने से पहले ही आधा खा गया मैं। भूख तो लगी रही थी, मजेदार इतना लग रहा था बनने में, देखने में, मैंने कहा खा के टेस्ट करूं, टेस्टिंग में मैं आधा खा गया। अब ये देखो इतना फ्लफी है, कहते जी अंदर से थोड़ा कुक्ड कम होता है तो अंदर से हैवी नहीं होता, हल्का रहता है, और हल्का हैवी जो मैंने खाया ना ऑमलेट बहुत हल्का है। और मैंने साथ में खाया जो इनकी स्पेशल चटनी है घर से बना के लाते हैं लहसुन वाली, उसके साथ तो वाकई में ये बहुत हल्का ऑमलेट है। फ्लफी ऑमलेट जो नाम दिया है ना इसको, इसी वजह से दिया है, एकदम लाइट वेट। तो ये तो है ही है, इसके अलावा हमने आपको देखा 40 से ज़्यादा वैरायटी के ऑमलेट्स यहाँ पे मिलते हैं, बेहतरीन अंडा करी मिलती है मसाले वाली फर्स्ट क्लास, जो हमने आपको चेक कराई, ऑमलेट्स की वैरायटीज दिखाई, कुछ दिखाई, सारी दिखा नहीं सकते, बट 40 तरह की वैरायटी आपको रंगीला भाई के पास मिल जाएगी। मैं अब लेता हूँ जी आपसे इजाजत, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कल्चर।